साने कंपेयर सुर अ सवाल ये है कि हम इवोल्यूशन के बारे में क्या बिलीव करते हैं तुम क्या बिलीव करते हो इवोल्यूशन क्या चीज है हम के हम अह मंकी से ह्यूमन बने हम नहीं मंकी से तो बाहर नहीं बने मंकी से उससे फिर जो जो मंकी मंकी है उसका क्या कसूर था बंदर बन अब तो एक ये भी थ्योरी आया कि बीटल से आगे इवोल्यूशन हुआ हैं बीटल से फलान बना फला से फल बीटल से बनता बनता इंसान बन गया हुँ? तो हर ये गलत है, है एवोल्यूशन तो हुआ है इंसान की डेवलपमेंट हुई है ब्रेन की डेवलपमेंट हुई है जिसम के इज़ा की हुई और इसलिए इंसान बना लेकिन बंदर से इस तरह नहीं बना उस वक्त बात शक्लें शायद करीब करीब तरीन होती हों एक जैसी लेकिन बंदरों की अपना एवोल्यूशन होता रहा जो नस्ल चलती रही जानवरों की अपनी चलती रही इंसान की ज़िंदगी इंसान से बनी जब पहले जब ज़मीन ठंडी हुई और फिर सब्ज़ा और पानी हैं और ऐसा सब पहले बैक्टीरिया से सब्ज़ा पानी की तरफ़ तो जो हुई फिर आगे इंसानी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने पैदा की उसका फिर एवोल्यूशन होता रहा और जिस तरह जिस तरह एवोल्यूशन होता रहा तरक्की होती रही उसके हिसाब से अल्लाह तला तालीम भी देता रहा रूहानियत की और जब इंसान कामिल हो गया आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में तो दीन भी कामिल हो गया और कुरान शरीफ उतरा जो अब आइंदा हमेशा के लिए है अब हर बात उसमें लिखी हुई है एवोल्यूशन अब भी हो रहा है अब जो कंप्यूटर आज है या बाज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आज हैं वो आज से बीस साल पहले नहीं थी तीस साल पहले नहीं थी पचास साल पहले तो तस्वर भी नहीं था सौ साल पहले कोई नहीं तस्वर था तो ये एवोल्यूशन तो होता जा रहा है लेकिन तालीम कामिल होगी इंसानी एवोल्यूशन जो है वो इंसान से ही हुआ बंदरों से नहीं हुआ डार्विन की थ्योरी क्या से जो है ना वो गलत है प्रूफ कर सकते हैं तुम किस तरह वो डार्विन वाले जो थ्योरी को प्रूफ करते हैं वो भी तो गलत करते हैं उससे कोई प्रूफ नहीं है। पहले एक नज़रिया था दूसरा नज़रिया आ गया हैं अब उसे ही पीछे चले गए कहते हैं बीचल छोटा सा बीचल कीड़ा है उससे बिना आगे हैं प्रूफ ये है कि जो दूसरी नस्लें चल रही हैं बंदरों की वो भी तो चल रही हैं ना उनमें क्यों एवोल्यूशन हुआ